मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं छोटा था तो गांव में शादी उदी आता तो मैं भाग के चला जाता था डांस वंस करने के लिए, तो घर पे आता तो मार पड़ती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब मिडिल स्कूल में आया तो क्लास 6 में मेरे स्कूल के टीचर ने बोला कि जो जो लड़का नाटक में भाग लेगा अपना हाथ उठाओ। फिर मैंने हाथ उठाया, तब मैंने वहाँ पर पहली बार नाटक में लड़की का रोल किया था, तो बहुत लोगों ने सराहा, गाँव के पूरे गाँव में हल्ला हो गया। मैं तो प्रोफेशनली ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि मैं प्रोफेशनली करूं, और मैंने शौकिया शुरू किया था। गांव में तो अभी भी लोग मतलब इसको अच्छा नहीं मानते कि हाँ नचनिया बन गया, नचनिया कर रहा है, लौंडा नाच कर रहा है, तो थोड़ा सा अजीब तरह से लोग रिएक्ट करते हैं और अजीब तरह से देखते हैं। बट पापा को मुझे अच्छा लगा, उन्होंने खुद आके प्राइज़ दिया, मुझे 500 रुपये का प्राइज़ दिया स्टेज पर ला के, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ मतलब ऐसे बिलोंग करते हुए मेरे पापा जो मिलिट्री में हैं और ऐसे स्ट्रिक्ट आदमी जो होते हैं वो लोग, वो भी आके हमें वो प्रोत्साहित कर रहे हैं पैसा दे के, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, कभी मेरे फैमिली वालों ने रोका नहीं। अच्छा हमला कब तू सुन, मेरी मौत के बारे में ये फैलाया गया है कि मैं अपने बाग में सो रहा था जबकि एक सांप ने आकर मुझे डस लिया। अरे देखा लौंडा जाता हुए नचनिया हवे बड़ा मस्त लगा था का हो, मतलब अलग अलग तरह के कमेंट भोजपुरी में, मतलब अलग अलग गंदे गंदे कमेंट पास होते हैं, का हो माल ठीक बा, खाई बा, चल बा, चला खोपचा में, चला खोपचा में चलने का मतलब कि चलो, मतलब कि क्या देह पे प्यार थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ हम। जो नाच का जो असली मज़ा होता है ढोलक बजा के और वो हारमोनियम बजा के झाल बजा के, लौंडा जो कूद कूद के जब चौकी पर डांस करता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे और शायद अब बहुत ही कम बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो कला मरे ना, उसको मैं एक इस स्टेज पे ला के, एनएसटी के स्टेज पे ला के एक पहचान दिलाना चाहता हूँ कि हाँ अभी भी है वो।